जब से दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है, आम आदमी पार्टी के नेता बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके वोट बैंक पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और बेचारे आप नेता कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये आम आदमी पार्टी का कौन सा वोट बैंक है जिसने बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था और अब उसे हटाया जा रहा है? तो इसका जवाब है अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी। इसीलिए आम आदमी पार्टी परेशान है, क्योंकि उसके वोट बैंक पर चोट दी जा रही है और उसके नेता कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कोर्ट ने भी दखल देने से मना कर दिया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप नेता अतिक्रमण विरोधी अभियान से चिंतित हैं, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिन्हें उनकी पार्टी ने शरण दी है। गौरतलब है कि सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे भाजपा शासित नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान से राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले विनाश को रोकने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा की बुलडोजर राजनीति की भी आलोचना की और दावा किया है कि नगर निकाय राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 63 लाख भवनों को ढहाने की योजना बना रहे हैं। जबकि सिसोदिया पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा, मैं आपके दर्द और घबराहट को समझ सकता हूं, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों व बांग्लादेशियों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो दंगों तथा अपराधों में शामिल होते हैं और जिन्हें बाद में आम आदमी पार्टी आपके नेताओं व विधायकों द्वारा शरण दी जाती है। इससे पहले एक ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा था, मैंने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि इस विध्वंस अभियान को रोका जाना चाहिए। अगर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना है तो उनका प्रयोग उन भाजपा नेताओं और नगर निकाय प्रतिनिधियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए किया जाना चाहिए, जिन्होंने घूस लेकर इन ढांचों के निर्माण की अनुमति दी थी। वहीं सिसोदिया पर गरीबों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित ना होने का आरोप लगाते हुए गुप्ता ने उनसे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को लेकर राजनीति न करने की मांग की। उन्होंने कहा, अगर आपको गरीबों की चिंता होती तो आप झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देते, उनके घरों में नलों से पानी और राशन पहुंचाते और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान उनकी मदद करते। वहीं आप विधायक अमानतुल्ला खान को अतिक्रमण रोकने, दंगा करने और लोक सेवकों को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।